ओके सो लेट्स स्टार्ट विद दिस एग्जांपल नाउ. तो इन दिस एग्जांपल इट इज सेड दैट पार्टिकल प्रोजेक्टेड विद इनिशियल स्पीड यू मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल थीटा विद ग्राउंड. फाइंड इट्स एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एट एन इंस्टेंट व्हेन पार्टिकल इज एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रैजेक्टरी. मतलब सर्कुलर मोशन में जब पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल मोशन है जब पार्टिकल को इंक्लाइन डायरेक्शन से थ्रो करेंगे तो पार्टिकल ऊपर जाता है मैक्सिमम हाइट पे आता है फिर नीचे आता है. तो जब वो मैक्सिमम हाइट पर है तब उस मोमेंट पर हमको पूछा है एंगुलर मोमेंटम. तो चलिए चेक करते हैं हम. तो ये यू मीटर पर सेकेंड से हमने थ्रो किया, ये एंगल थीटा है और ये पार्टिकल ऐसे जाके गिरेगा. तो जब पार्टिकल इस मोमेंट पर रहेगा तब अब इसके लिए प्रोजेक्टाइल मोशन आना जरूरी है आपको. भाई पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे पार्टिकल के पास सिर्फ वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट बचता है? हॉरिजॉन्टल. और वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाता है? जीरो. है कि नहीं? तो यहाँ पर मैक्सिमम हाइट पे पार्टिकल के पास जो वेलोसिटी का कंपोनेंट बचता है यू कॉस थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाता है जीरो. इस पार्टिकल का मास एम है. हमें ओरिजिन यानी कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अबाउट पूछा. तो बताइए मैं वेलोसिटी के लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता कर सकता हूँ ना? ऑब्वियसली पता कर सकता हूँ. तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी के लाइन ऑफ एक्शन को पीछे पुल करेंगे और ये उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. ऑब्वियसली आपको ये नोटिस करोगे आप कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो मैक्सिमम हाइट ही है प्रोजेक्टाइल मोशन का. और अब निकाल लेंगे कि एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड होता है एम वी आर परपेंडिकुलर. एम पार्टिकल के पास जो स्पीड बची वो यू कॉस थीटा है हाईएस्ट पॉइंट पे. परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर मैक्सिमम हाइट होता है प्रोजेक्टाइल मोशन का एम यू कॉस थीटा. प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी. तो ये हो जाएगा एम यू क्यूब साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन टू जी. ये मैग्नीट्यूड आ गया. डायरेक्शन कैसे पता करेंगे? तो फिर से राइट हैंड रूल से बताइए, ये वेलोसिटी वेक्टर है और ये पोजीशन वेक्टर है, या फिर ये पोजीशन वेक्टर है, कुछ भी पकड़ लीजिए आप. ओरिजिन से पोजीशन को जोड़ने वाला पोजीशन वेक्टर होता है, वेलोसिटी वेक्टर है. आप घुमा दीजिए, जैसे आप राइट हैंड रूल लगाओगे तो आपका डायरेक्शन कहाँ आएगा? अंदर. तो आप समझ जाओगे कि ये इनवर्ड है, मतलब इसका डायरेक्शन माइनस के कैप है. तो यहाँ एरो लगा दूंगे हम और कहेंगे ये पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम है. थैंक यू.